हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें हमने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें 31 मार्च को जो हमारा डेप्रिसिएशन का एंट्री करना होता है, जिसमें अगर हमारा डेप्रिसिएशन असेट होता है उसका हमारा कोई ओपनिंग है उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हमने फर्स्ट हाफ में कोई परचेस किया है तो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सेकेंड हाफ में अगर हमने परचेस किया है तो उसका डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे टूल के माध्यम से उसका पूरा कैलकुलेशन भी मिल जाएगा और उसका सिंगल क्लिक से आप उसका एंट्री भी कर पाओगे। तो ये सॉल्यूशन किस तरीके से काम करता है इसका मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखाऊंगा। तो फर्स्ट आपको मैं जो मेरे लेजर क्रिएट किए हैं उसके अंदर यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट सेट करना होता है, जो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। जितना भी उसका परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे सेट कर देना है एप्लीकेबल डेट के साथ। और जो भी यहाँ पे एंट्री की है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एंट्री की है, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा 2 अप्रैल को है और ये मेरा 1 अक्टूबर का है। तो अभी हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो 20% का मैंने कंप्यूटर से परचेस किया था उसका ओपनिंग दिखा रहा है और उसका मैंने परचेस किया था सेकेंड हाफ में 10,000 का, वो भी मुझे दिखा रहा है। तो उसका टोटल मेरा डिप्रिसिएशन वैल्यू कितना बन रहा है वो भी दिखा रहा है और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है वो भी मुझे दिखा रहा है। सेम चीज़ फर्नीचर में भी मैंने फर्स्ट हाफ में परचेस किया था वो अमाउंट आ रहा है और ओपनिंग भी आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, ये दोनों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऑटो डिप्रिसिएशन एंट्री का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 31 मार्च को यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है डेप्रिसिएशन की। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों एंट्री हो चुकी है रिपीट। अगर आपने एक बार एंट्री कर दी होगी और उसको अगर वापस आप एंट्री करने जाओगे तो वो एंट्री आपको नहीं करने देगा। दोस्तों, इस तरीके से सोल्यूशन काम करता है। तो आप में से कोई भी इसका अगर डेमो चाहते हैं, परचेस करना चाहता है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू सो मच।